constant is Poisson's ratio. Poisson's ratio is the ratio of lateral strain divided by the longitudinal strain. If you don't know lateral strain and longitudinal strain, then I'm going to tell you right now. Suppose we are having a prismatic bar of length L. If you don't know about prismatic bar is the bar having a constant cross-section throughout its length. For example, agar ye ek circular prismatic bar hai, to iska agar diameter yahan pe 5 mm hai, to iska diameter throughout length 5 mm rahega, na wo kahin pe 6 mm hoga, na wo kahin pe 7 mm hoga. To yahan se leke yahan tak jo iska diameter hoga, wo hamesha hoga 5 mm. और ये कभी भी चेंज नहीं होता, तभी इसको कहेंगे हम प्रिज्मेटिक बार. सेम अप्लाई होता है रेक्टेंगुलर प्रिज्मेटिक बार के लिए, उसकी डेप्थ और वेट हमेशा सेम रहेगी थ्रू आउट इट्स लेंथ. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज द चेंज इन द डायमेंशन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड. मतलब मैंने अगर इसकी एक्सिस पे कोई टेंसाइल फोर्स लगाई तो जो इसी डायरेक्शन में चेंजेस होंगे उसको कहूंगा मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. ऑलराइट, सो डेल्टा एल डिवाइड बाय एल इज इक्वल टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेटरल स्ट्रेन. सो लेटरल स्ट्रेन अगर मैं बाय डेफिनेशन इसकी बात करूँ, द स्ट्रेन एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड इज नोन एज लेटरल स्ट्रेन. मतलब वो स्ट्रेन जो प्रोड्यूस होता है एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड. मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था कि हमने इस डायरेक्शन में लोड अप्लाई किया तो इसी डायरेक्शन में जो है लेंथ का चेंज हो रहा है. लेकिन अब इस लोड के अप्लाई होने से जो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उनमें चेंजेस आ रहे हैं तो उसको कहेंगे हम लेटरल स्ट्रेन. तो हम ड्रॉ करते हैं एक रेक्टेंगुलर प्रिज्मेटिक बार और देखते हैं कैसे इसमें लिटरल स्ट्रेन प्रोड्यूस होते हैं. देखो इसका सबसे अच्छा फंडा यही है, अगर मैं इसको वॉल्यूम के साथ रिलेट करूं तो अगर इस बार की कोई भी एक डायमेंशन इंक्रीज होती है तो सम अदर डायमेंशन हैज टू बी डिक्रीज टू मेंटेन द वॉल्यूम. तो मैंने जब इस बार में एक्चुअली टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया और उसकी वजह से जो इसकी विड्थ और इसकी डेप्थ में चेंजेस आए तो मैं उनको कहूंगा लेटरल स्ट्रेन, बिकॉज ये है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड. So lateral strain in this case will be delta B divided by B, there is change in width divided by the original width, and the change in depth divided by the original depth, this is delta D divided by D. I hope कि आपको समझ आ गया होगा. लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अब मैं तो tensile force apply कर रहा हूँ लेकिन जो उसकी other perpendicular dimensions हैं उसमें compressive forces produce हो रहे हैं. So जो lateral strain है वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, लिटरल स्ट्रेन विल बी इक्वल टू नेगेटिव पॉइजन्स रेशियो इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बिकॉज़ लिटरल स्ट्रेन इज अपोजिट टू साइन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, हेंस अल्जेब्रिकली इट इज रिटन लाइक दिस. एंड फॉर इंजीनियरिंग पर्पसेस इट्स वैल्यू वेरीज फ्रॉम 0 टू 0.5 बट द एक्चुअल रेंज इज -1 टू 0.5. And for glass, it is 0.05 to 0.1. For concrete, it is 0.1 to 0.2. For metals, it is 0.25 to 0.42. And for pure rubber and perfectly plastic material, it is 0.5. इन मटेरियल्स को, मटेरियल्स की जो वैल्यू है म्यू की, उसे ध्यान से देख लीजिए. ग्लास के लिए 0.05 to 0.1 होता है, 0.1 to 0.2 for concrete, 0.25 to 0.42 metals and 0.5 to pure rubber or perfectly plastic materials के लिए. ओके, अब इसकी कभी रेंज पूछे तुमसे, इसकी रेंज क्या होती है, तो इसकी रेंज होती है -1 to 0.5. ठीक है, कभी भी कभी इंटरव्यू वगैरह दोगे तो कई बार वो पूछ लेता है कि पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितनी होती है, तो पॉइजन रेशियो की वैल्यू होती है -1 to 0.5. -1 से भी ज्यादा नहीं होगी और 0.5 से भी ज्यादा नहीं होगी. ओके, 5. एंड फॉर रबर इट्स वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0.45 टू 0.5. आवर नेक्स्ट इलास्टिक कांस्टेंट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, आल्सो नोन एज शियर मॉडुलस, एंड इट इज डिनोटेड बाय सी और जी और एन. आई हैव सीन सी और जी, आई हैवंट सीन एन येट, बट इफ यू यूज एन दिस प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. So the modulus of rigidity or shear modulus is the ratio of shear stress to the corresponding shear strain. So the shear stress divided by shear strain hai, wo hai hamara modulus of rigidity. Aur it, shear stress aapko pata hai kya hota hai, tau. Shear strain aapko pata hai, phi. So modulus of rigidity is equal to shear stress divided by the shear strain, tau divided by phi. Alright, so now let's talk about bulk modulus. The bulk modulus kya hai? Bulk modulus is the ratio of direct stress to the volumetric strain. अब यहाँ से देख के कुछ भी समझ नहीं आता कि डायरेक्ट स्ट्रेस कौन से हैं और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहाँ से हैं, ये कैसे आए. ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं लेता हूँ एक क्यूबिकल बॉडी जिसपे म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइक और इक्वल डायरेक्ट स्ट्रेसेस लग रहे हैं. तो मतलब जितने भी इसकी छह साइड्स हैं, इन छह साइड्स पे सेम टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा इंटेंसिटी का.
अब इन स्ट्रेसेस की वजह से जो इसकी वॉल्यूम में चेंजेस आ रहे हैं उनके रेशियो को कहेंगे हम बल्क मॉडुलस. सो द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नोन एज बल्क मॉडुलस. सो व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइक एंड इक्वल डायरेक्ट स्ट्रेसेस द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू द कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज फाउंड टू बी कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन मटीरियल व्हेन द डिफॉर्मेशन इज विद इन सर्टेन लिमिट. And this is known as bulk modulus, and it is usually denoted by K. And all these three elastic constants are applicable only within the elastic limits of the material. So if I go by definitions once again, so the ratio of lateral strain to the longitudinal strain is a constant for a given material when the material is stressed within the elastic limit, and this is called Poisson's ratio. Similarly, the ratio of shear stress to the corresponding shear strain within the elastic limit is known as modulus of rigidity or shear modulus. And when the deformation is within certain limit, the ratio of direct stress to the volumetric strain is known as bulk modulus. Now let's talk about the relationship between Young modulus and bulk modulus. Everybody knows the Young modulus. It is the modulus of elasticity and it is the ratio of stress divided by strain, and it is denoted by E. So again, I'm taking a cubical body, so let's name it A, B, C, D, E, F, G, H. Suppose L is the length of the cube and DL is the change of length in the cube due to the applied stresses. And E is the Young's modulus, sigma is the tensile stress acting on the faces, and nu is the Poisson's ratio. Agar V volume hai, toh isko main likh sakta hun, L into L into L. Okay? अब देखो सारी साइड्स पे जो है सेम स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, सारी जितनी भी साइड्स हैं यहाँ पे सेम स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है. तो मैं किसी भी अगर एक साइड का एनालिसिस कर लूँ तो मुझे सारी साइड्स का पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं. तो सपोज मैंने ले ली साइड ए बी, अब ए बी में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहे हैं बाकी फेसेस की वजह से, अब उनको एनालाइज करते हैं. तो ए बी में जो सबसे पहले स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है साइड ए ई एच डी और बी एफ जी सी, मतलब ये वाली और ये वाली साइड्स की वजह से. अब यहाँ पे क्या है, जो स्ट्रेन है वो टेंसाइल नेचर का है, तो उसको लिख सकता हूँ मैं सिग्मा डिवाइडेड बाय ई, दिस स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस. सिमिलरली अब एक साइड से अगर टेंसाइल स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है तो बाकी दो साइड्स में ऑटोमेटिकली लेटरल स्ट्रेन प्रोड्यूस होने चाहिए, हमने अभी अभी पढ़ा था इस लेक्चर की स्टार्टिंग में. सो स्ट्रेन ऑफ ए बी due to stresses on the face A, E, F, B and D, H, G, C. अब ये क्या है, ये जो stresses होंगे वो compressive lateral strains होंगे, और compressive lateral strain को मैंने बताया था कैसे लिखते हैं, negative nu sigma divided by E. Similarly जो face है A, B, C, D और E, F, G, H वो भी same role play करेंगे और उनमें भी compressive lateral strain produce होंगे और वो equal होंगे negative nu सिग्मा डिवाइड बाय ई. तो सपोज करो जो ए बी के अंदर टोटल स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ वो हुआ डी एल अपॉन एल, ठीक है, और जो बाकी की साइड से हुआ वो क्या हुआ, सिग्मा अपॉन ई माइनस न्यू सिग्मा अपॉन ई माइनस न्यू सिग्मा अपॉन ई, ये हुआ टोटल स्ट्रेन बाकी की साइड की वजह से, ठीक है. तो मैं लिख सकता हूँ डी एल अपॉन एल इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई माइनस न्यू सिग्मा अपॉन ई माइनस न्यू सिग्मा अपॉन ई, विच विल गिव मी सिग्मा अपॉन ई ब्रैकेट 1 minus 2 nu. All right. अब हमें पता है जो क्यूब की वॉल्यूम है वो है v, इसको मैं लिख सकता हूं l cube and dl is the change in length and dv is the change in volume. So let's differentiate with respect to l. So ये आएगा dv will be equal to 3l square into dl. All right. Now dividing this above equation with this equation we will get dv upon v will be equal to 3l square dl divided by l cube. On dividing l square with l cube we will get 3dl divided by l. Now, putting the value of dl upon l from above equation into this equation, we will get dv upon v is equal to 3 sigma upon e into 1 minus 2 nu. So, from the formula of bulk modulus, you know that bulk modulus is equal to stress, direct stress divided by the volumetric strain. So, we know that we have direct stress on the right side and volumetric strain on the left side. On rearranging this equation, we will get bulk modulus equals to e, that is Young modulus, divided by 3 into 1 minus 2 nu. Or E equals to 3K into 1 minus 2 nu. And from here we can also get Poisson's ratio, which will be equal to nu equals to 3K minus E divided by 6K. So this is the relationship between Young's modulus and bulk modulus. Now let's talk about the relationship between modulus of elasticity and modulus of rigidity. And it comes with the full length of derivations. So in this relationship, we are going formula by formula.
Suppose we have a box which is fixed from the bottom, that is its side AB is fixed from the bottom, and we are applying a tangential stress on its top side, that is CD has been moved to C1, D1. The D point has been shifted to D1 and C point has been shifted to C1, and the angles of both of these sides, that is AD and BC, are equal. तो हम देख सकते हैं कि जो BD है उसमें टेंशन स्ट्रेसेस ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसकी वजह से उसकी जो लेंथ है वो B1 D1 पे इंक्रीज हो गई है, और जो AC है उसमें कंप्रेशनल स्ट्रेसेस ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसकी जो लेंथ है वो AC1 पे शॉर्टन हो गई है। तो यहाँ से जो टोटल टेंसाइल स्ट्रेन अलॉन्ग BD निकल के जो आती है वो आती है हमारी टाउ डिवाइडेड बाय E इनटू 1 प्लस न्यू, where nu is the Poisson's ratio, is the modulus of elasticity, and tau is the stress applied tangentially on the side CD. और यहाँ पे एक बात आती है जो कि प्रूफ भी की गई है कि जो टेंसाइल स्ट्रेन है डायगोनल BD के अंदर वो है हाफ ऑफ द शीयर स्ट्रेन, देयर इज 1/2 इनटू शीयर स्ट्रेन, और शीयर स्ट्रेन यहाँ पे है DD1 डिवाइडेड बाय AD. तो हमें पता चल गया कि जो टेंसाइल स्ट्रेन है डायगोनल BD के अंदर एक तो है वो tau by E into 1 plus nu, और दूसरा है हाफ इनटू शीयर स्ट्रेन। तो इन दोनों को इक्वेट कर दें अगर हम, तो क्या आएगा कि टाउ बाय ई इनटू 1 प्लस न्यू विल बी इक्वल टू 1/2 इनटू शीयर स्ट्रेन। अब शीयर स्ट्रेन को अगर मैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी से कंपेयर करूं तो मैं लिख सकता हूं शीयर स्ट्रेन विल बी इक्वल टू शीयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, क्योंकि शीयर मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, शीयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शीयर स्ट्रेन। तो मैं शीयर स्ट्रेन को लिख सकता हूं शीयर स्ट्रेन डिवाइडेड बाय शीयर मॉडुलस, ठीक है, दैट इज टाउ डिवाइडेड बाय सी। तो अब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, tau by e into 1 plus nu will be equal to 1/2 into tau by c. Now cancelling tau from both sides, it will give us 1/e into 1 plus nu equals to 1/2c. और यहाँ से हम निकाल सकते हैं e will be equal to 2c into 1 plus nu, और c को अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा, e divided by 2 into 1 plus nu. So this is the relationship between modulus of elasticity and modulus of rigidity. Now there is a final relationship between shear modulus, Young's modulus and bulk modulus, which is given by these two equations. The first one is the relationship between Young's modulus and bulk modulus, which is E is equal to 3k into 1 minus tu nu. The second one is between Young's modulus and shear modulus, that is E is equal to 2g into 1 plus nu. If we can find out the value of Poisson's ratio from our first equation, that is E is equal to 3k into 1 minus tu nu, then we can put this value of nu into our second equation and we can calculate the relationship between three of our moduluses. So taking out the value of nu, that is E divided by 3k equals to 1 minus tu nu, and E by 3k minus 1 will give us minus tu nu, and from here nu can be written as 1/2 minus E divided by 6k. After that,